सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन जब भी आता है कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखें। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। अन्याय में सहयोग देना अन्याय के ही समान है, ध्यान रखें। आज का पंचांग 4 जून 2023 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह 9:11 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:21 से 7:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। आप सभी को देव स्नान पूर्णिमा और कबीर जयंती की शुभकामनाएं। कर्क राशि 4 जून 2023 दिन रविवार, कानूनी योजनाओं या अनुबंधों पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने पति पत्नी या किसी खास की सलाह लेना ना भूलें। सेहत या जरूरतमंदों से सेहत या तंदुरुस्ती से जुड़ी चिंताओं के लिए आपको अकेले रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी झगड़े से दूर रहें और मूर्खतापूर्ण कनेक्शन से बचें। दूसरों से अपने मनोभाव को बांटने और उन्हें समझने की कोशिश करें। अच्छा, आपकी प्राथमिकता आपका परिवार होगा। आप इस मनोरंजन और उत्कृष्ट समय को खुलकर जियेंगे। तोल मोल और सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी बातें किसी के दिल को दुखा सकती है। आज आप अपनी दिनचर्या में किसी तरह के बदलाव को लेकर सोच विचार करेंगे और काफी हद तक कामयाब भी होंगे। अगर कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसकी वसूली करने का भी उचित समय है। घर में किसी खास वस्तु की खरीदारी भी संभव है। अपनी भावनाओं को समझते हुए खुद में बदलाव करने की कोशिश करें। फिलहाल काम की गति धीमी रह सकती है। नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिलहाल आप तैयार नहीं हैं। नकारात्मक शब्दों पर ध्यान न दे, अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने में वक्त लग सकता है। अन्य लोगों के कारण आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। करियर से जुड़ी समस्या को हल्के में ना लें, अपने काम की ओर ध्यान दें। यदि आप रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरी बातों को भूलने की आवश्यकता है। सेहत ठीक करने के लिए पूरा आराम करें। सावधानियां, विद्यार्थी मनोरंजन तथा व्यर्थ के कार्यों में पढ़कर अपने अध्ययन और करियर के साथ समझौता ना करें। घर के कार्यों में हाथ बटाना भी आपकी जिम्मेदारी है। किसी से भी बातचीत करते समय सभ्य भाषा का प्रयोग करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप और आपका साथी दोनों मिलकर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ध्यान रहे, प्यार का मतलब किसी का हमेशा पास रहना ही नहीं होता, अपितु जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देना भी होता है। कभी कभी प्यार कड़वी दवाई जैसा ही लग सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन में दवा और दुआ दोनों की ही अपनी उपयोगिता है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना आज आपकी मुख्य प्राथमिकता होगी। आप सबसे बातचीत करके उन्हें लुभाएंगे। अपने साथी के प्यार का इजहार हर संभव तरीके से करें। यह आपके और आपके साथी के बीच के बंधन को मजबूत करेगा। आप दोनों साथ में कुछ मैजिकल पल बिता सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज व्यापार में बिक्री या खरीद करते समय सावधान रहें, क्योंकि धन के नुकसान की संभावना है। आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से जानते हैं और अब इनका पूरा प्रयोग करेंगे। योजनाएं बनाते समय पार्टनर्स और करीबी साथी की सलाह लें। अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसरों को खोजें।
कार्यालय और घर दोनों आपका समय मांग रहे हैं। अगर आप दोनों जगहों में शांति चाहते हैं तो संतुलन बनाए रखें। आज आपके लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय का मजा लें, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। बात करते हैं सेहत की। मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं। योग व्यायाम आदि को भी नियमित रखें। सेहत ठीक करने के लिए पूरा आराम भी करें। आज का उपाय। आज आप सूर्य देवता को अधर्य देते हुए सूर्य मंत्रों का जाप करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।